फिल्म की शुरुआत में हम एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को देखते हैं जिनमें बहुत तरह के जानवर मौजूद थे और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दरअसल एक समय पर उनके जंगल में बाढ़ आने के कारण उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी थी और तब से ही वो एक बड़े से शिप में समुद्र से होते हुए किसी बेहतर जमीन की तलाश में भटक रहे होते हैं। पर महीनों बीतने के बाद भी अब तक उन्हें कोई आइलैंड या जंगल नजर नहीं आया था। वहाँ सभी जानवर अपना जीवन गुजारने के लिए सादे भोजन पर निर्भर थे जिसे बनाने की जिम्मेदारी डेव नाम के एक नेस्ट्रियन पर थी जिसमें हेजल नाम की एक ग्रिम भी उसकी मदद करती थी। लेकिन इतने महीने बीतने के कारण फूड की शॉर्टेज होने लगी थी जिससे सभी सिर्फ कुछ ही दिन और सर्वाइव कर सकते थे। पर डेव ये बात अपने लीडर लेनी को नहीं बता सकता था क्योंकि उसे डर था कि लेनी ये जानने के बाद उसे बुरी तरह से पनिश भी कर सकता है। दूसरी ओर हम डेव के सन फिनी और हेजल की डॉटर लिया को देखते हैं जो शिप के ऊपर मौजूद होते हैं और मस्ती के लिए ग्लाइडर तैयार करके उससे समुद्र की सैर करने की कोशिश करते हैं। पर वो ग्लाइडर टूटने के कारण वो दोनों सभी एनिमल्स के बीच आ गिरते हैं जिससे उनका खाना बर्बाद हो जाता है। इसलिए डेव और हेजल उनकी नादानी के लिए उन्हें डांट लगाते हैं और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें रात भर क्रोज नेस्ट में ही रहने का ऑर्डर देते हैं। पर फिनी को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ लिया को भूख लगने लगती है इसलिए वो चुपके से फूड स्टोर से कुछ खाना लेने जाने का तय करती है और नोआ को भी अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेती है। इसलिए वो अपनी जगह अपनी डमीज बनाकर वहाँ रख देती हैं और चुपके से फूड स्टोर में घुस जाती हैं। पर उतने में डेव और हेजल के वहाँ आने से उन्हें छुपना पड़ता है। वहाँ डेव हेजल को वहाँ मौजूद फूड कंटेनर्स को दिखाकर बताता है कि अब हमारे पास केवल 5 दिन के लिए ही खाना बचा है जिस बात से उनके अलावा वहाँ के सभी जानवर अनजान थे। पर वहीं डेव की गलती से वहाँ मौजूद बहुत से फूड कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं और उसके साथ ही फिनी और लिया भी समुद्र में आ गिरती हैं और पीछे छूट जाती हैं। पर डेव और हेजल को उस समय इस बात का पता नहीं चलता और डेव ये सोचकर रोने लगता है कि खाने के बारे में अब वो बाकी एनिमल्स को क्या जवाब देगा। वहीं फिनी और लिया रात भर एक टेम्पररी राफ्ट के सहारे बहाव की दिशा में बढ़ रहे होते हैं पर अब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी इसलिए फिनी अपने जुगाड़ के लिए एक फिशिंग रॉड को बनाता है जिसमें एक जेलीफिश फंस जाती है और वो बात भी कर सकती थी। फिनी को वो बहुत क्यूट लगती है इसलिए वो लिया को उसे खाने से मना कर देता है और उसे अपने साथ पेट की तरह रखने का फैसला करता है। इधर डेव थोड़े बहुत खाने के साथ पूरी कोशिश करता है कि सभी जानवर कम खाना खाएं ताकि वो उतने में ही ज्यादा एनिमल्स को फूड सर्व कर सके। तभी समुद्री तूफान के कारण उनका सिर हिलने लगता है जिससे डेव और हेजल को फिनी और लिया का ख्याल आता है। पर ऊपर जाकर देखने पर उन्हें पता चल जाता है कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इधर फिनी और लिया भी भयानक तूफान में फंस चुके थे जिससे वो अलग हो जाते हैं। पर तभी फिनी के पीछे कुछ नेस्टियन पड़ जाते हैं जो उसके बहुत कोशिश के बाद भी उसे पकड़ लेते हैं। इधर लिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लैंड पर पाकर बहुत खुश होती है और वहीं कुछ दूरी पर उसे जेलीफिश भी मिल जाती है पर वो फिनी के ना मिलने से हैरान होते हैं। दूसरी ओर फिनी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को नेस्टियन की एक कॉलोनी में पाता है जहाँ वहाँ का चीफ क्लाइड उसे बताता है कि ये जगह नेस्टियन के लिए सबसे सुरक्षित है और बाहरी दुनिया और उसके खतरों से बिल्कुल आइसोलेटेड है। दरअसल बहुत समय पहले उनकी क्वीन ने सभी नेस्टियन को बाहरी दुनिया से सेफ रखने के लिए ये कॉलोनी बनाई थी और इसी खुशी में सभी नेस्टियन हर साल आज के दिन ही सेलिब्रेशन किया करते थे। इसके बाद फिनी वहाँ की क्वीन से मिलता है जिनका नाम पैच होता है। नोवा उनसे कहता है कि मुझे आपके इस कॉलोनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर जाकर बस अपने दोस्तों और फैमिली से मिलना चाहता हूँ। वहाँ पैच को पता चलता है कि फिनी एक शिप पर बहुत तरह के जानवर के साथ रहता है और फिनी उन्हें यहाँ तक पहुँचने की अपनी पूरी कहानी बता देता है। पर पैच उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती क्योंकि वहाँ हर जगह खतरा है। फिनी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं पर पैच उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहीं रहकर उनके सेलिब्रेशन में एंजॉय करने को कहती है जिससे फिनी गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर डेव और हेजल को फाइनली पता चल जाता है कि उनके बच्चे समुद्र में गिर चुके हैं।
पर तभी सारे जानवर वहां पहुंच जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि सारे फूड कंटेनर्स को उन दोनों ने ही नीचे गिराया होगा, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर लैनी उन्हें समुद्र में गिराने वाला होता है। पर तभी उन्हें एक आइलैंड नजर आता है जो कि वही आइलैंड होता है जिसमें फिनी और लिया भी आ पहुंचे थे। महीनों बाद फाइनली लैंड को देखकर वो बहुत खुश होती हैं और उन दोनों को छोड़कर उस आइलैंड की ओर निकल जाती हैं। वहीं लिया और जेली जिस दौरान फिनी की तलाश में घूम रहे होती हैं, तभी मास्क पहने कुछ नेस्टियंस उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती हैं। पर लिया भी उन पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और फाइनली वो नेस्टियंस लिया को अपने डिलीरियस गैस से बेहोश करके पकड़ लेती हैं और अपने कॉलोनी की ओर लेकर जाने लगती हैं। पर जेली फिर चाहकर भी लिया की मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उन नेस्टियंस का पीछा करती है और हमें पता चलता है कि नेस्टियंस की वो कॉलोनी ठीक उस आइलैंड के नीचे ही थी। वहीं सभी एनिमल्स अपने शिप से उस आइलैंड पर चले आते हैं जहां डेव और हेजल एक टूटे हुए राफ्ट को देखकर समझ जाते हैं कि जरूर उनके बच्चे भी इसी आइलैंड पर ही होंगे और वो उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं नेस्टियंस की कॉलोनी में उनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है और वहीं जेलीफिश फिनी को देखती है जहां जेलीफिश इशारे से फिनी को अपने पास बुलाती है। उसे वहां देखकर फिनी बहुत खुश होता है, पर जेलीफिश उसे बताती है कि नेस्टियंस ने लिया को यहां कैद कर रखा है, इसलिए वो वहां से लिया की तलाश में निकल जाता है जहां उसे तीन यंग नेस्टियंस मिलते हैं। वो फिनी के कहने पर उसे उस कमरे तक पहुंचा देती हैं जिसके अंदर लिया कैद होती है, पर वो रूम लॉक्ड होता है और फिनी के कोशिश के बाद भी उससे डोर ओपन नहीं होता। लिया उसे बताती है कि इसकी चाबी पैज के पास है, इसलिए वो उस चाबी को चुराने के लिए निकल जाता है। वहीं क्लाइड पैच को इन्फॉर्म करता है कि वाइल्ड एनिमल्स अपने शिप से ही साइलेंट पर पहुंच चुके हैं, जिससे पैच सभी नेस्टियंस को अलर्ट कर देती है कि बाहर वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं जिनसे हम सबको खतरा है, इसलिए कोई भी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेगा, और वो सेलिब्रेशन को बंद करा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर फिनी और लिया की तलाश करते समय डेव और हेजल को वो जेलीफिश मिलती है जो उन्हें पहचान जाती है और उन्हें बताती है कि उन नेस्टियंस ने लिया को कैद कर रखा है, जिससे हेजल को एक आइडिया आता है। इधर पैच जिस दौरान सो रही होती है तब फिनी उससे चाबी चुराने की कोशिश करता है। फाइनली उसे चाबी मिल तो जाती है, लेकिन सही समय पर पैच नींद से जाग जाती है और वो सारे गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। पर फिनी भागते हुए लिया के पास जाता है और उसे उस कमरे से रिहा कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उस कॉलोनी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पकड़े जाते हैं, जिसके बाद वो गार्ड्स उन्हें वापस कैद करने के लिए लेकर जाने लगती हैं। पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि डेव और हेजल ही होते हैं। अब तक पैच को भी पता चल चुका होता है कि फिनी उनसे धोखे से लिया को छुड़ा ले गया, इसलिए वो तुरंत कुछ गार्ड्स के साथ उन्हें घेर लेती हैं। पैच फिनी के कारनामों से बहुत गुस्सा होती है। वहाँ लिया उन्हें वुल्कानों से होने वाले खतरों से आगाह करने की कोशिश करती है, पर पैच हर बार की तरह उनमें से किसी की नहीं सुनती और वो गार्ड्स को उन सबको कैद करने का ऑर्डर देती है, इसलिए हेजल और बाकी सभी वहाँ से बच निकलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेस्टियंस की कॉलोनी के बाहर उस आइलैंड पर वो वाइल्ड एनिमल रहना शुरू कर चुके थे, जहाँ उन्होंने आधे शिप को तोड़कर अपने अपने जरूरत के हिसाब से कई सारी चीजों को तैयार कर लिया था। तभी हेजल और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं जो उन्हें घबराते हुए कहते हैं कि हमें इसी वक्त इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि बहुत जल्द यहाँ एक वोल्केनो इरप्शन होने वाला है। पर लैनी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उतने में उस आइलैंड पर मौजूद वो वोल्केनो इरप्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे सभी एनिमल्स डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं वोल्केनो इरप्शन से नेस्टियंस की कॉलोनी भी टूटना शुरू हो चुकी थी, जिससे पैच बहुत हैरान हो जाती है और सभी नेस्टियंस को उस कॉलोनी को खाली करने को कहती है। पर अब तक उनके कॉलोनी का मेन एग्जिट डोर ब्लॉक हो चुका था, इसलिए वो इमरजेंसी में बीच के रास्ते से होकर निकलने को कहती है और सभी नेस्टियंस तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं, पर पैच वहीं फंस जाती है। भागते हुए वो नेस्टियंस अपने कॉलोनी से बाहर आ जाती हैं, जहाँ पैच के ऑर्डर के अनुसार क्लाइड सभी नेस्टियंस को बीच की तरह बढ़ते रहने को कहता है, पर क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स ने अपने आधी शिप को तोड़ दिया था, इसलिए वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे।
इसलिए फिनी क्लाइड से उनके शिप को रिपेयर करने में उनकी मदद मांगता है, जिसके लिए फाइनली क्लाइड मान जाता है और वो साथ में एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सभी उस शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं, पर तभी कुछ यंग नेस्ट्रियंस फिनी और लिया को आकर बताते हैं कि स्टैचू गिरने से पैच अभी भी नीचे ही फंसी हुई है, जिसे सुनने के बाद फिनी उनकी मदद के लिए जाने का फैसला करता है। पर क्योंकि लिया को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो जेलीफिश के साथ उसे वहीं रहने को कहता है। पर फिनी के वहां से जाते ही जेलीफिश भी उसके पीछे चली जाती है। इधर फिनी जब तैरते हुए नेस्ट्रियंस की सबमर्ज्ड कॉलोनी में पहुंचता है तो वहां उसे पैच मिलती है, जो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण थोड़ी ही देर में मारी जाती है। पर सही समय पर वहां जेलीफिश आ जाती है, जो अपने इलेक्ट्रोक्यूशन की एबिलिटी से पैच को वापस से जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो तीनों एक स्टैचू के जरिए वहां मौजूद चट्टानों से बचते हुए बाहर निकल आती हैं। पर वहां वो देखती हैं कि अब उनके चारों तरफ केवल लावा ही लावा होता है, जिस कारण से वो वहां से कहीं नहीं जा सकते थे। वहीं बाकी के नेस्ट्रियंस और वाइल्ड एनिमल्स ने मिलकर उस शिप को रिपेयर कर लिया होता है और वो वहां से निकलने वाले होते हैं। पर फिनी के वहां ना होने से डेव और हेजल उसे ढूंढने निकल जाते हैं, पर तभी लिया को एक आइडिया आता है और वो एक ग्लाइडर के जरिए फिनी के सिग्नल का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाती है और फिनी जेलीफिश और पैच को अपने साथ वहां से लेकर निकल जाती है। तभी हेजल और डेव उन्हें देख लेते हैं, पर उनके ग्लाइडर में आग लगने से वो खुद भी बड़ी मुश्किल से शिप तक पहुंच पाते हैं। पर फाइनली डेव और हेजल भी किसी तरह से सेफली शिप तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी नेस्ट्रियंस एक साथ अपने सूट से डिलीरियस गैस रिलीज करते हैं, जिससे एक हैवी प्रेशर क्रिएट होता है और वो शिप को पुश करके उस आइलैंड से बहुत दूर लेकर चला जाता है और इस तरह से सभी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं। और इसके काफी दिनों के बाद हम देखते हैं कि सभी नेस्ट्रियंस ने मिलकर पूरे शिप को अपग्रेड कर लिया था, जिसमें हर चीज अवेलेबल थी और अब वो खाने में भी सी फूड कंज्यूम किया करते थे। तभी वहां वो डब आ जाता है, जिसे वाइल्ड एनिमल्स ने बहुत पहले लैंड की तलाश में भेजा था और फाइनली उसे रहने लायक जगह भी मिल चुकी थी। पर अब उन्हें उस शिप में रहना बहुत अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो कुछ और समय तक उसी शिप में रहने का फैसला करते हैं और सभी इससे बहुत खुश होती हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।